आज मुझसे सीखेंगे एक और केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना मात्र 3 स्टेप में। चलिए स्टार्ट करता है पहला स्टेप। ये क्वेश्चन रखे सो के डिवाइड LHS एंड RHS में, देन लेड इज 1, देन नाइट्रोजन इज 2, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 2 टोटल इज 6, देन हाइड्रोजन इज 1, देन क्लोरीन इज 1। यही काम आपको इस साइड में करना है। लेड इज 1, नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन 3 एंड हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज 2। इतना काम आपको करना होता है पहले स्टेप में। अब आते हैं सेकंड स्टेप आते हैं, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। आइए चेक करते हैं, पता लगाते हैं। और पता कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है। लेड 1 इक्वल नाइट्रोजन 2 एंड 1 इक्वल ऑक्सीजन 6 एंड 3 डिफरेंस, हाइड्रोजन 1 एंड 1 इक्वल क्लोरीन 1 एंड 2 डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट के नंबर मैच करे, कुछ के नंबर मैच नहीं करे, मीन्स हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो। अब आती है स्टेप नंबर 3 आते हैं, यहाँ पर मैं एक ट्रिक यूज करूँगा और आप उस ट्रिक से सीख जाएंगे बेहद आसान तरीका मात्र कुछ ही सेकंड में। देखिए उस ट्रिक को मैं कैसे यूज करता हूँ। देखिए नाइट्रेट का होल ट्वाइस है क्या यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन में, वैल्यू क्या है 2 आ गई। 2 का मल्टीप्लाई हुआ नाइट्रोजन में तो कितनी वैल्यू आ गई, ये 2 आ गई। 2 का मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन में, 3 मल्टीप्लाई 2 टोटल इज 6 आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए सेट की वैल्यू चेंज हो गई है, मैच करते हैं क्या क्या मैच करें। लेट लेट 1 2 एंड 2 इक्वल ऑक्सीजन 6 एंड 6 इक्वल हो गया, एंड हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है डिफरेंस, क्लोरीन यहाँ पे 1 है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। जैसे 2 किया तो क्या हुआ, ये 2 हो गया 2 और 2 इक्वल, 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में तो कितना आ गया, ये 2 हो गया 2 और 2 इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड के वैल्यू क्या करिए, मैच करिए, मीन सेवा केमिकल क्वेश्चन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है मात्र 3 स्टेप में। तो आपने सीखा मुझसे बहुत आसान तरीका कि केमिकल क्वेश्चन कैसे बैलेंस किया जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, कोई कमेंट हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।